क्या कभी किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया एक साथ बंद हो सकती है? कभी सोचा था आपने कि आपके देश में एक ऐसा अनिश्चितकालीन लॉकडाउन लग जाएगा जिसमें आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे? कभी सोचा था बच्चों के स्कूल इतने समय के लिए बंद कर दिए जाएंगे? कभी सोचा था मौत का डर तो है पर मौत के बाद भी एक डर हो जाएगा? सबसे मुश्किल तब होता है जब सबसे ताकतवर दुश्मन से लड़ना हो और आपको मालूम ही नहीं कि उसकी ताकत कितनी है, उस पर कौन सा हथियार काम करेगा। जी हाँ, वो कोरोना वायरस था। एक तरफ दुनिया भर के डॉक्टर्स जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसका शिकार बन रहे लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं 2020 हूँ, मैं उस दर्द का चश्मदीद हूँ, मैं चश्मदीद हूँ बदलती हुई परंपराओं का, अंतिम क्रिया के इंतजार का, जहां एक माँ अपने बच्चे के आखिरी वक्त पर उसे देख नहीं सकती थी, ना उसे मिल सकती थी, एक बेटा अपने माँ बाप की मृत्यु के बाद उसे कंधा नहीं दे सकता था। कोरोना ने तो अपनों को अपनों से ही दूर कर दिया, जिंदगी को जीने का तरीका बदल दिया, दूर से ही नमस्ते नया नॉर्मल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 2020 में बहुत बुरा हूँ, मुझसे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस दर्द का एहसास मुझे भी है। जब सफर पर निकले लाखों मजदूर पैदल भूखे चलकर जा रहे थे, कईयों ने तो अपनी जिंदगी खो दी। ट्रॉली बैग पर सोया नन्हा बच्चा और सड़क पर उसकी माँ उसे खींचते हुए ले जा रही थी। एक वायरस ने कई चीजें बदल दी, लोग बेरोजगार हो गए, रेस्टोरेंट रिसोर्ट सब बंद हो गए, अपने अपनों से दूर हो गए। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स, पत्रकार सब दिन रात सेवा में जुटे रहे। कई एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आए। ओलंपिक के खेल नहीं हुए, बॉलीवुड में खामोशी छा गई, कई देशों के रिश्ते बदल गए। एक वायरस ने क्या कुछ बदल दिया। जी हाँ, मैं 2020 हूँ, मैं 2020 हूँ, मैं चश्मदीद हूँ, मैं 2020 हूँ।